हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ रॉन्ग नंबर सीरीज, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर इस बार पूछे जा रहे हैं। अगर खासकर बैंकिंग के एग्ज़ाम की बात करें तो अभी जो क्या है कि आपको रॉन्ग नंबर सीरीज ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कंपेरिजन देन आपका मिसिंग नंबर सीरीज के तुलना में। ठीक है, तो आइए इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपका डाटा है जो गिवन है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद देखें कि अप्रोच क्या लेना होगा। ठीक, तो यहाँ पे सारे नंबर को मैं लिख दिया हूँ और इसके बाद अब मैं अप्रोच आपको बताऊँगा कि क्या करना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर आपको ये डिसाइड करना होगा कि इन सभी के बीच में गैप बहुत ज़्यादा ही का है या कम का है। इसमें गैप की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है, तो जाहिर सी बात है या तो ये प्लस का ये चीज़ होगा, इसमें चाहे तो ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर और ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप चाहे तो कोशिश करना चाहिए कि लास्ट से ज़्यादातर ही ऐसे क्वेश्चन जो रॉन्ग नंबर सीरीज होते हैं लास्ट वाले से जो होते हैं सीरीज में, वहाँ से स्टार्ट करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना है, 5 का है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना का है, 7 का है। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना का है, 11 का है। और इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं 136 और 149 का डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है, 13 का है। ठीक है, कितने का है यहाँ पे, 13 का है। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं इन दोनों का, ठीक है, तो इन दोनों में कितना का है, 18 का है। और यहाँ पे कितने का है, यहाँ भी आपका 18 का है। ठीक है, दोनों जगह क्या है आपका, 18 18 का डिफरेंस है। तो ये तो आपने डिफरेंसेस लिख लिया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको देखना होगा, ये कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ तक ये दो जो पार्ट है इसको आप करते ही नहीं, लेकिन मैं बताने के लिए सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 का है। मीन्स की 5 से 2 गया 7, 7 से 4 गया 11। अब की क्या हो रहा है, फिर से 2 का गैप हो रहा है। मीन्स की 11 से 2 गया 13, तो जाहिर सी बात है अब की यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 18 ना होकर क्या होना चाहिए था यहाँ पर, 17 अगर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हम, 18 के जहाँ पे हम क्या करते यहाँ पे 17 करते। ठीक है, 17 करते तो क्या हो जाता, 4 का गैप हो जाता और 17 में फिर से अब की 2 का गैप करना होता हमें। ठीक है, तो इस बार 11 2 13 13 4 17, अब की यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 18 ना होकर बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 19 होना चाहिए था, है ना, तब जाकर ये गैप ये सीरीज कंप्लीट हो जाता। अब देखना कि 100 में अगर हम 19 को ऐड करते तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 118 नहीं होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका 100, यहाँ पे 18 ना होकर क्या होना चाहिए था, 119 होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 119 रखते हैं और इसके बाद अगर इसमें 17 ऐड करते हैं तो 136 हमें मिल जाता, जो कि आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये वाकई में सही है या गलत है। ठीक है, तो एक सीरीज का आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं डेसिमल वाला है और डेसिमल के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 अंक के बीच में जो गैप है काफ़ी ज़्यादा, अगर काफ़ी ज़्यादा गैप है तो ये मल्टीप्लिकेशन का ही बात हो सकता है। तो आपको ऐसे अप्रोच को मैंने बताया था कि लास्ट से अटैम्प्ट करना, ठीक है, ज़्यादातर ठीक होता है। अगर इन दोनों का देखो गैप कितने का भाई, लगभग 6 और 6 गुने का, 6 करने पर ये 30 और 36 मिल जाता है। ठीक है, अच्छा इन दोनों का गैप अगर देखते तो कितना होता है, गुने का 5 और प्लस का 5। ठीक है, गुने का 5 और प्लस का 5, यहाँ तक ये भी सीरीज हो रहा है। तो कहने का मतलब हम यहाँ और यहाँ पर आगे देखते फिर से तो यहाँ पे 4 का गुना और प्लस 4, ये भी सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कहीं ना कि ये जो सीरीज है इस तरह से कुछ जा रहा है भाई कि अब की जो होगा यहाँ पर 6 × 3 + 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 25 × 2 + 2 होगा, है ना, और यहाँ पे क्या होगा फिर आपका 1, मीन्स की कहने का मतलब 1.5 × 1 + 1 हो जाएगा आपका 2.5। ठीक है, इसी तरह 2.5 × 2 + 2 करने पर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 7। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था हमें, यहाँ पे 6 नहीं होगा बल्कि 7 होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि अगर आगे भी सीरीज लेते हैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 रखते हैं तो यहाँ पे 24 मिलता है, जो कि आगे सीरीज
जो चलता है उसे सेटिस्फाइड करता है यहाँ पे, क्लियर। तो इस तरह से 6 × 6 = 6 + 6 × 5 + 5, तो अब की जाहिर सी बात था कि इन दोनों का बीच में क्या होना चाहिए था, 3 + 3 होना था, और इसके बीच जो था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 6 का तो 4 हो गया ना, अब के यहाँ पे 6 यहाँ पे इसका 3 + 3 होता, इसका 2 + 2 होता, और इसका 1 + 1 होता, ठीक है। तो ये सीरीज चला आ रहा है, और इसी तरह अगर आगे भी सीरीज देखना चाहते हो तो सेम आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे भी देखेंगे तो गैप, यहाँ पे गैप की अगर बात करें तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन सा एक चीज़ दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो कि सबसे पहले ज़्यादा अंक था, फिर कम गया, और फिर सेम रह गया, ज़्यादा था कम हो गया फिर सेम रह गया, तो पक्का ये मल्टीप्लीकेशन का ही सवाल होता है, ठीक है। तो अगर हम 160 को अगर हम डेसिमल 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 80, ठीक है। फिर 80 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो क्या मिलेगा, फिर से 80। तो देख रहे हैं यहाँ पे हाफ, फिर एक, अब की क्या होना चाहिए था, आधा से एक हुआ, एक से अब की डेढ़ अप करके देखते हैं, ठीक है। 80 को अगर 1.58 करके देखते हैं तो मुझे 120 मिलता है, ठीक है, यहाँ तक सेटिस्फाइड हो रहा है। अब 120 को 2 से ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो 240, ये भी सेटिस्फाई करता है। 240 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 600, ये भी मिलता है। तो जाहिर सी बात है ना कि आपकी 600 को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, जो कि 1800 होगा। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, किस सीरीज का कौन सा नंबर में एरर है, तो ये है 900 वाले में एरर है, जहाँ पे 1800 होना चाहिए था, क्लियर। तो इस तरह से आपका 0.51, 1.52, 2.53 का ये सीरीज चला आ रहा है, क्लियर। इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे देखिएगा कि एक तो सबसे बड़ा अंक है, फिर कम रहा है, फिर कम रहा है, और एक सबसे लास्ट का सबसे छोटा अंक है, ठीक है। तो पहले नज़र में आपको एक चेक करना होगा कि ये जो 5000 का, ये 2500 के आसपास में ये डिफरेंस है ना, 5000 का 2500 के आसपास में डिफरेंस है ना। तो कहीं ना कहीं ये, इसको अगर यहाँ पे 5040 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2520 मिलता है, सही है। फिर 2520 को डिवाइड करते हैं अगर 2 से, ठीक है, ये तो हो गया 2 से, अब की हम यहाँ 3 से करते हैं, ठीक है, 3 से करते हैं तो क्या मिलेगा, 840, ये भी सही है। अब की 840 को अब हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 210, ये भी सही है। अब 210 को डिवाइड करेंगे किसे, 5 से, तो यहाँ पे 42 भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 42 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 6 से, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, 7 मिलना चाहिए था। देखिए अब क्या है, 42 को इस सीरीज में 6 से डिवाइड करना था तो 6 से डिवाइड करने पर 7 आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे क्या है, 8 है। तो ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, क्लियर। देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कैसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे कम अंक है, फिर आपका सबसे ज़्यादा अंक है, ये भी तो कहीं ना कहीं डिफरेंस काफ़ी है, लेकिन ये क्या है, अगर दोनों का, अगर दो दो का दोनों का अगर गैप देखा जाए तो इसमें कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है। तो एक चीज़ मुझे, एक नंबर यहाँ पे 200 और ये 700, 9 to 9 का डिफरेंस से एक चीज़ मुझे क्लिक कर गया दिमाग में, क्या कि इन दोनों का गैप है 729, है ना। और 729 आप सभी को पता है किसका स्क्वायर है भाई, किसका, 27 का स्क्वायर भी होता है और 9 का क्यूब भी होता है ना, 27 का स्क्वायर भी होता है 729 और 9 का क्यूब भी होता है 729। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जरा आगे और भी देख लेंगे कि क्या करना है। इन दोनों का अगर गैप देखा जाए तो कितने का गैप है, 121 का, है ना। इन दोनों का गैप देखा जाए तो कितने का गैप है भाई, 49 का। इन दोनों का गैप देखा जाए तो कितने का है, 125 का। तो एक चीज़ मुझे क्लिक हो रहा है भाई कि क्या, कि यहाँ पे ये 11 का स्क्वायर है ना, ये आपका 9 का क्यू है, ठीक है, और ये आपका फिर से 7 का स्क्वायर है, फिर ये आपका 5 का क्यू है। तो कहीं ना कहीं 11 का क्यू स्क्वायर और 5 2 7 2 9 2 11 मीन्स कि हर बार घट रहा है ना, हर बार क्या हो रहा है, घट रहा है।
तो जाहिर सी बात है कि अब की यहाँ पे 11 का स्क्वायर था, 9 का क्यूब था, फिर 7 का स्क्वायर था, 5 का क्यूब था, कहीं ना इस बार ये 3 का स्क्वायर तो ना होगा, है ना, ये कहीं 3 का स्क्वायर तो ना होगा, क्योंकि स्क्वायर आपको होगा क्योंकि 3 2 था, यहाँ 3 हुआ 2, फिर 3, फिर स्क्वायर, इस तरह से चला स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, इस बार स्क्वायर करते हैं। अगर स्क्वायर करते हैं तो मुझे क्या यहाँ पे होना चाहिए था, 9, क्या होना चाहिए था, 9, ठीक है, और इसके बाद 1 का स्क्वायर होना चाहिए था, ये सीरीज बैठेगा तो आपकी क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 यहाँ पे होता, ध्यान दीजिएगा, 1 का अगर क्यूब होता तो देख सकते हैं कि हम एक यहाँ पे देखिए 151 था, इसमें से क्या किए थे हम, घटाए, ठीक है, 151 में से, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस है 125 ना, 26 का 125 का डिफरेंस था 126, तो 151 में से 125 गया, 26 बचा, तो 26 में से 9 जाएगा तो क्या बचना चाहिए था यहाँ पे, 17, ठीक है, यहाँ तो सही है ना, इसमें से ये घटेगा तो ये 17 बचना चाहिए, लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं कि 9 तो 26 में से 9 घटाए तो मुझे 17 मिल गया, लेकिन 15 में फिर यहाँ पे 17 में से 9 घटाते तो क्या यहाँ पे बचना चाहिए था, अब की यहाँ पे 16 होना चाहिए था, है ना, 17 में से 9 जाता तो अब की क्या बचना चाहिए था, 16, जो कि यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट जो है यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में सुधारना होगा, बल्कि यहाँ पे 16 होना चाहिए था, ठीक है। इस तरह से करके आप चेक कर सकते हैं कि 125 में से 26 गया था भाई, 151 में से, ठीक है, 151 में से 125 गया, 26 बताया, 26 में से 9 गया, 17 बचा, तो फिर अब की क्या है कि 26 में से 9 गया, 17 बचा, अब की 17 में से 9 जाता, 17 में से 9 जाता तो क्या बचता यहाँ पे, 16, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर है। तो इस तरह के सीरीज आते हैं, तो सीरीज आपको क्या करना होगा, सीरीज को ऐसे नहीं बनाना है, आपको कई सारे क्वेश्चन को इसके प्रैक्टिस करने होंगे। जब प्रैक्टिस आप करते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या होगा कि आपको देखते हैं कि वो चीज़ क्लिक हो जाएगा, ठीक है, माइंड में वो क्लिक होगा, और जब क्लिक होगा तो आपका वो चीज़ सही होगा, ठीक है। और एग्जाम में 5 out of 5 लाना आसान हो सकता है, बशर्ते कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, वरना आपसे 3 मैक्सिमम बन पाएंगे अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अगर एवरेज प्रैक्टिस है तो 3 बनेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस है तो 5 में 4 या 5 भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, एवरेज प्रैक्टिस रहेगी तो 3 2 3 बन जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रैक्टिस रहेगी तो 4 से 5 out of 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, और काफ़ी सारे मैथ के वीडियो हैं, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख लीजिए, काफ़ी सारे वीडियो जिसमें कि आपका DI भी है, मिसलेनियस के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, बाकी आपका जो पर्टिकुलर जो टॉपिक वाइज भी वहाँ पे है वीडियो, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से भी काफ़ी सारे वीडियो है। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन में एग्जाम से पहले कवर करने की कोशिश की, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।